तो फ्रेंड्स कैसे हो, आई होप आप सब ठीक है। काफी दिनों से कमेंट आ रहे हैं यार, एक बेसिक बजट पीसी बताओ किशन भाई। हमारे क्या है कि हायर एंड पीसी तो हम खरीदते ही हैं, उसके अलावा किसी को ऑफिस यूज है, होम यूज है, कॉलेज का स्टूडेंट है, नॉर्मल बेसिक काम है यार, 50-50 लाख रुपए का पीसी थोड़ी ना हम खरीद सकते हैं। हमारे को तो पीसी चाहिए भाई जो अच्छा प्रोडक्ट हो और ओरिजिनल प्रोडक्ट हो और बजट के अंदर बनाया सके। तो ये पीसी ऐसा है जो आपका बजट 25-30 हजार के अंदर किसी कस्टमर का ढूंढ रहा है तो ये पीसी उनके लिए रिकमेंडेड रहेगा। क्योंकि आप i7 i5 या विद ग्राफिक कार्ड वगैरह आप लेते हो ना, जो आपको जरूरत नहीं है तो उन्होंने i3 के अंदर भी स्वैप अप करवा सकते हो। जैसे कि आप मदरबोर्ड देख सकते हो, इनके लिए जो यूज किया है H410 सीरीज का जो मदरबोर्ड है, काफी अच्छा बजट इकोनॉमिकल मदरबोर्ड है, जिसके अंदर 2 रैम स्लॉट आता है, 16 GB 32 GB तक आप रैम अपग्रेड कर सकते हो, लैन 1 GBPS तक आएगा, 4 4 6 6 USB ports है, जिससे आप आराम से आपका USB पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। ऑफिस यूज के लिए और क्या चाहिए, उनको फास्ट कनेक्टिविटी चाहिए होती है, तो USB 3.0 भी है और 2.0 भी है। रैम अभी 8 GB का 3200 MHz दिया है XPG का, हालांकि 2666 MHz भी इसके लिए काफी है, लेकिन हीट सिंक वाला रैम ऑलमोस्ट सेम प्राइस में आ रहा है तो क्यों हम लोकल क्वालिटी का रैम यूज करें। प्रोसेसर वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर दिया, इंटेल कोर i3 10 10 5, मतलब 10105 जो प्रोसेसर है, ये आपका बजट इकोनॉमिकल प्रोसेसर इन इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड। हालांकि मैंने एक प्रीव्यूज वीडियो डाला था, वो OEM प्रोसेसर था जिसका 1 साल तक हम स्टोर से वारंटी देते हैं, ये इंटेल से आपको 3 साल वारंटी मिलता है, इसका 3 साल वारंटी आएगा, रैम का 10 साल वारंटी है और 240 GB का एक बेसिक बजट साटा SSD हमने यूज किया। अगर आपको चाहिए आप NVMe भी स्वाइप अप करवा सकते हो, ऑलमोस्ट सेम प्राइस है। हार्ड ड्राइव 1 TB का यूज किया जो सीगेट का 7200 RPM और 2 साल वारंटी के साथ में आता है, और SSD का भी आपको 3 साल वारंटी मिलता है। एक बजट इकोनॉमिकल केस मैंने यूज किया है जो जेब्रोनिक्स का है, अगर आपको RGB वगैरह केस चाहिए तो वो भी ले सकते हो, जिसका आपको ऑलमोस्ट आपको 2-4 हजार रुपए आपको एक्स्ट्रा पड़ जाता है, लेकिन इनका ऑफिस यूज है, होम यूज है, ज्यादा कुछ लाइटिंग वगैरह नहीं चाहिए तो ये काफी अच्छा केस है। और यार 25 हजार के बजट के अंदर और क्या कस्टमर को मिलेगा यार, इतने अच्छा पीसी कंपोनेंट में बना के दे रहा हूँ। उसके अलावा इसमें अगर आपको कीबोर्ड माउस अगर आप कुछ पूछते हो तो डेल का जो रिकमेंडेड है ये कीबोर्ड माउस देते हैं, हालांकि कंपनी वाला बोलता है 3 साल कीबोर्ड माउस की वारंटी, लेकिन कोई कस्टमर 3 साल तक 700 रुपए के आइटम रिप्लेसमेंट कराने के लिए नहीं आता, इसीलिए शायद डेल वाला बोल रहा है कि 3 साल का हम वारंटी देते हैं। चलो ये उनकी मार्केटिंग स्टाइल रहती है, लेकिन ये जो पीसी है ना, अगर आपको एनीवेयर इंडिया चाहिए तो भी हम शिपिंग करते हैं। ऐसे ही गेमिंग पीसी वगैरह मेरे चैनल पे काफी मैं पोस्ट करता हूँ, ये हालांकि गेमिंग पीसी नहीं है लेकिन हम हर तरह के पीसी बिल्ड करते हैं। गेमिंग एक सीरीज हो गया, सब गेमिंग गेमिंग करके बोल रहे हैं, हालांकि कंप्यूटर से आप एडिटिंग कर सकते हो, गेमिंग कर सकते हो, एडोबी जैसे सॉफ्टवेयर को इजीली कर सकते हो और स्टूडियो बेसिस के वर्क के अंदर पीसी काफी काम होती है। गेमिंग एक सेगमेंट हो गया है कि हर कोई आदमी गेमिंग, और आजकल यूट्यूब के कहीं पर भी आप ग्राफिक कार्ड चल रहा है, इसका क्रेज थोड़े दिनों के बाद में चैनल इसका क्रेज वीडियो का कम हो जाएगा, रीजन आने वाले दिनों में MSRP के नीचे भी शायद ग्राफिक कार्ड मिल सकते हैं। चलो ये पीसी जो है ना मेरे कस्टमर के लिए स्पेशली बिल्ड किया है, तो सर आए हैं एपी से, मतलब एपी जो आंध्र प्रदेश है ना, जो हमारा कर्नाटका के बॉर्डर पे रहता है, तमिलनाडु और तेलंगाना ये सब ऑलमोस्ट बॉर्डर पे आते हैं। तो सर आप कहाँ से? मैंने आंध्र से मदनपल्ली से। मदनपल्ली ऑलमोस्ट कितना किलोमीटर है यहाँ से? 110 किलोमीटर, वही बॉर्डर पड़ जाता है ऑलमोस्ट। तो आपका नाम सर? मेरा नाम अक्षर। अक्षर सर, तो आपको मेरे स्टोर के बारे में कैसे पता चला सर? तो मैंने YouTube पे देखा आपका वीडियो ACL गेम, तो मुझे थोड़ा जेन्यून लगा और बहुत सारे गेमिंग पीसी बिल्ड करने के लिए यहाँ पे आते हैं, तो मैं रिव्यूज देख के फिर वहाँ से आपका वेबसाइट से जाके यहाँ पे पता कर गया। और ये पीसी से आपका क्या यूज़ है सर? तो हम ऑफिस वर्क के लिए यूज़ कर रहे हैं फिलहाल, हम कुछ कुरियर सेगमेंट का आपका ऑफिस है? ऑफिस है, तो उसके लिए यूज़ करने के लिए हम सोचे थे, इसलिए ऐसे ही बनाया। और सर आप सेटिस्फाइड हो प्राइस प्रोडक्ट सब? हाँ, सब सेटिस्फाई है। और बाहर भी हम कोटेशन दलवाए थे, वो इससे भी कम दिए थे, लेकिन हम उन पे भरोसा नहीं था क्योंकि प्रोसेसर का प्राइस वो एकदम कम डले, मतलब देखो आप ही समझो 2000, देखो राइजन 5 है तो बोले कि 7000-8000 आसपास देंगे, लेकिन उतना कम पे नहीं है, अमेजन फ्लिपकार्ट में भी देखो उतना कम पे नहीं मिलेगा, तो हमको वहाँ पे धोखा देने का मौका मिल रहा था, तो हमने सोचा कि जेन्यून पे जेन्यून जगह जाके हम कोटेशन दलवाए, और हमको पैसे का इतना परवाह नहीं था, लेकिन इतना कम में होना है, लेकिन जेन्यून चीज़ चाहिए हमको, तो उस पर भरोसा करके यहाँ पे आए, तो इस भरोसे पे यहाँ पे करवाए, हमको फुली सैटिस्फाइड। थैंक यू सर। सर आपका नाम सर? आपसे कुछ फीडबैक देना चाहेंगे सर हमारे स्टोर के बारे में? आपने भी मार्केट में रिसर्च किया है, आप साथ में ही तो आए थे, तो कैसा लगा? क्योंकि भाई ने चेक किया तो जो चीज मार्केट में 13000-14000 रुपए, भाई को अभी नहीं खरीदना था राइजन 5, हालांकि
13-14 हजार का रेट है और मार्केट में 7 हजार रुपए मिल रहा था, तो आपको कैसा लगा यार मेरा रेट ज्यादा क्यों है, कम कैसा है? अच्छा है, ठीक है सर, थैंक यू सर। सर आपका नाम सर? हरिदय सर। तो सर आप भी से मदनपल्ली से? అక్కడికంటే ఇక్కడ బాగుంది తక్కువ ఉంది అని చెప్పి. థాంక్యూ సో మచ్ సో తక్కువ ఉంది జెన్యున్గానే ఉంది. मतलब आपको क्या बोलो, राइजन 5 जो 5600X है ना भाई को एक पीसी और भी बिल्ड करवाना है, 7000 रुपए लोग रेट बोल रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए स्कैम करने की क्या हद लिमिट तक हो जाती है। मतलब 7000 में कहीं मिलता नहीं है, ऑलमोस्ट 17-18 हजार उसका रेट है। चलो 400-500 ऊपर नीचे हो सकता है, समझ सकते हैं कस्टमर सीधा यार 10-10 हजार कम डाल दो। कस्टमर कोई थोड़ी ना बेवकूफ है कि आपकी बातों में आके प्रोडक्ट लेके चले जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ हर सेलर्स दुकान वाले को, यार फेयर बिजनेस करो, कस्टमर को थोड़ा सेटिस्फाइड करो, जेन्युइन प्रोडक्ट दो, प्रॉफिट कस्टमर अपने आप देगा। ये अभी मैंने पीसी बेचा है, कोई सोशल सर्विस किया नहीं है, मुझे हंसते हुए प्रॉफिट दिया क्योंकि उनको मैंने सील प्रोडक्ट, सील पैक प्रोडक्ट उनको दिखा के दिए। भाई ये प्रोडक्ट है, इनका ये रेट रहता है, ये क्वालिटी रहता है। मेरा मोटो यही रहता है कि आप कहीं से भी खरीदो, कोई भी प्रोडक्ट खरीद लो, जीनियन प्रोडक्ट खरीदना। प्राइस आप ढूंढोगे बहुत कम, मतलब कम पूछिए मेरे से चलेगा, मैं कम में दे दूंगा। आप बहुत कम पूछोगे ना तो फिर क्या हो सकता है आपके साथ में? मैं तो, मेरे को जरूरत नहीं है वैसे काम करने की। लोग क्या करते हैं आपको भी पता चल जाएगा। आप कहीं पर भी खरीदते हो ना, बार्गेनिंग और बार्गेनिंग मत करिए। हाँ थोड़ा बहुत सेलर से कम करवाइए, सर को भी मैंने बहुत डिस्काउंट दिया है, वो एक फेयर बिजनेस रहता है। बहुत कम कराओगे ना तो आपके साथ में पक्का धोखाधड़ी होगा। तो फाइनली ये बोलूंगा बेस्ट ऑफिस यूज का पीसी ये है, और ऐसे ही पीसीज के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करना। जरूर बताना ये बिल्ड कैसा था और कस्टमर का फीडबैक कैसा था और वो कैसे सेटिस्फाइड हुए मेरे स्टोर से, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताना।